अब तो मेरे पिया की दया ना समावे इंड। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहे ऐसाथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, जो हमको साथ से निकालत, देश ठौरे गाम, देश ठौरे गाम। हुक्म नहीं बिहारी जी का। अक्षरातीत धामधनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से बीतक का वर्णन करवा रहे हैं नलिय की। श्री जी के समक्ष धाराभाई जाकर अपना सारा वृतांत वर्णन करते हैं कि धामधनी एक वर्ष हो गए सुंदर साथ से निष्कासित हुए मुझे। जब सुरजी भाई को बिहारी जी ने बुलाया था तो कहा कि यदि तुम्हें परम धाम चलना है, 12,000 के समूह में रहना है, तो धाराभाई को समाज से निष्कासित करो, अन्यथा तुमको काढ़े इष्ठाम, तुम्हारे लिए भी परम धाम का दरवाज़ा बंद है। वाणी का प्रकाश था नहीं। सुरजी भाई ने डर करके निकाल दिया। सुरजी भाई ने वहाँ आकर के सब सुंदर साथ को एकत्रित किया और कहा कि बिहारी जी का आदेश है कि धाराभाई को परिवार समेत निष्कासित किया जाए। धाराभाई की बहन थी बेनीबाई और उनके बहन सब ने प्रार्थना की कि सुरजी भाई, चर्चा सुनाई है धाराभाई ने, हमने तो चर्चा सुनाई नहीं। केवल चर्चा सुनाने के कारण इतना बड़ा अपराध मान लिया गया कि हमको पूरे परिवार सहित गांव से, समाज से और सुंदर सास से निष्कासित किया जा रहा है, ये तो अन्याय है। सुरजी भाई क्या कहते हैं कि भाई मेरा कोई बस नहीं है, हम किसके अधीन हैं? गादीपति बिहारी जी के। जो वो कहेंगे वही होगा, हम उनके आदेश पर चलने वाले हैं। यदि तुम्हें सुंदर साथ में रहना है तो जाकर बिहारी जी के चरणों में क्षमा मांगो, वो कृपा कर देंगे तो सुंदर साथ की जमात में रहा जाएगा। कितना बड़ा अंधकार है। जैसे कहावत कही जाती है, कोढ़ में खाज होना, उसी तरह से है अशिक्षा में रूढ़वादिता, वाणी के ज्ञान का अवतरण नहीं। बिहारी जी महाराज ने कह दिया कि इनको समाज से बहिष्कृत करो, नहीं तो तुमको परम धाम से निकाल दूंगा। तो सब डर जाते हैं। यदि समाज में ज्ञान का प्रकाश होता, तारतम वाणी का प्रकाश होता, तो इतना भय नहीं रहता कि जब अक्षरातीत किसी भी आत्मा को परमधाम से निष्कासित नहीं कर सकते, तो गादी पर बैठा हुआ ये व्यक्ति कैसे परमधाम से निष्कासित कर सकता है? रूई की गादी में क्या शक्ति होती है? उसको कौन बनाता है? एक बढ़ई बनाता है और एक दर्जी बनाता है। गद्दा बना देगा दर्जी और बढ़ई बना देगा तखत। उस पर बैठने मात्र से उस गादी की इतनी महिमा गाई जाती है कि सब डर के मारे कांपते रहते हैं। आज तो गादियों की आरती पूजा भी होने लगी है, भोग भी लगाया जाता है। आखिर उस गादी में कौन बैठा होता है? वाणी कहती है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इताए करो आराम, सेज बिछाई रुचिर के यही तुम्हारा विश्राम। हमारी आत्मा का हृदय धनी का धाम होता है। वाणी में कहीं नहीं लिखा है कि किसी गादी में अक्षरातीत की बैठक होती है। चारों वेदों में नहीं लिखा है, 6 दर्शनों में नहीं लिखा है, 1127 शाखाओं में नहीं लिखा है। फिर भी जिस समाज में परम धाम का ज्ञान उतरा उस समाज में गादीवाद ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जिसमें किसी को भी पता नहीं चल रहा है। उसी गादी को मत्था टेकते हैं जिसमें मात्र एक रुई है। हाँ, शिष्टाचार ये है कि किसी महापुरुष के आसन पर बिना स्वीकृति के नहीं बैठना चाहिए। कहीं सभा में जाइए तो जहाँ आपको बैठाया जाए वहीं बैठना चाहिए। बिना स्वीकृति के सबसे ऊंचे आसन पर जाकर बैठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जिस आसन पर कोई योगी महात्मा ध्यान करता हो उस पर बैठना नहीं चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन ये कहना कि गादी को ही आरती भोग पूजा करने लगना और उसी गादी पर जो बैठ जाता है उसमें शक्ति आ जाती है, ये गलत है। उत्तरदायित्व का बोध अवश्य होता है। जैसे कोई परमहंस किसी स्थान पर लीला किया है तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में यदि किसी सुंदर साथ को मनोनीत किया जाता है तो उसको इस बात की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ किसी परमहंस ने लीला की है, मैं कोई ऐसा आचरण न करूँ कि उनकी गरिमा के प्रतिकूल जाए। यानी उनके उत्तराधिकार का उत्तरदायित्व वहन करने वाले व्यक्ति को परमहंस की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इतनी सी बात अच्छी है। लेकिन उस रुई की गादी की आरती पूजा भोग करना कहीं भी वाणी के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार उचित नहीं है। चाहे खिजड़ा का वृक्ष हो, चाहे चित्र हो, समाधि हो या खड़ाऊ हो, किसी की भी पूजा आरती पूजा उचित नहीं है। किसी परमहंस की समाधि है उसके प्रति सम्मान रखिए। हाँ, 2 फूल ले जाकर चढ़ा दीजिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन राज्य का भोग लगाना, राज्य की आरती बोलकर, कंचन थाल चौमुख दिवला बोलकर के आरती उतारना वाणी के अनुकूल संबंध नहीं है। हमारी निष्ठा उस मूल स्वरूप पर होनी चाहिए। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ियो न जाए। जब तक मूल संबंध का एहसास नहीं होगा, किसी परमहंस ने किन पद चिन्हों पर चलकर उस परम तत्व को प्राप्त किया है, हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तो यही उनकी पूजा है। आज चरित्र पूजा नहीं होती, चित्र पूजा होती है। किसी भी ब्रह्मणी का परमहंस के हम चित्रों की पूजा करते हैं, समाधियों की पूजा करते हैं, खड़ाओं की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं। लेकिन उन्होंने कौन सा आचरण किया था ये हम उस पर चलना नहीं चाहते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भटकाव का मार्ग है। और ये तब होता है जब वाणी का प्रकाश नहीं होता है। किसी भी ब्रह्मात्मा के अंदर वही परम धाम की आत्मा होती है जो हमारे अंदर है। तो हम क्यों ना उनके पद चिन्हों पर चलें और उनके दर्शाए हुए मार्ग पर चलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिसके लिए उन्होंने आदेश दे दिया था। हम उस मार्ग पर तो नहीं चलते, बस ये दर्शाते हैं झूठी प्रसिद्धि के लिए कि हम महाराज सतगुरु महाराज से, अमुक परमहंस से इतना प्रेम रहा है। यदि आपका प्रेम है तो परमहंस महाराज जी के आदर्शों पर क्यों नहीं चलते? आज भी देखा जाता है जो परमहंस महाराज श्री रामचंद्र जी को मानने वाले हैं वो गांजा भी पी लेंगे। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने दिन रात ध्यान किया, वो तो नहीं देखा। कुछ समय के लिए उन्होंने पिया होगा, लेकिन किसी सुंदर साथ को तो नहीं कहा कि तुम भी पी लो। सरकार श्री ने तम्बाकू का मंजन किया तो सरकार श्री को मानने वाले जहाँ देखिए तम्बाकू का लेकर के मंडली बनाकर मंजन करते रहते हैं। सरकार श्री ने वाणी पर एक निष्ठा दर्शाई, चितवनी पर एक निष्ठा दर्शाई, मूल स्वरूप के प्रति एक निष्ठा दर्शाई। सरकार श्री के वचनों को नहीं लेना है। सरकार श्री ने तम्बाकू का मंजन किया तो हम भी मंजन करेंगे और केवल सतगुरु महाराज कहकर नाम की ढोल पिटते हैं। परमहंसों के, महान पुरुषों के व्यक्तित्व को आचरण में नहीं लाते तो ये झूठा प्रेम है, सच्चा प्रेम ये नहीं है। श्री बिहारी जी जिस गादी पर बैठे हैं वो सतगुरु देवचंद जी उस गादी पर बैठते थे। लेकिन उस गादी पर किसी को भी बैठा दिया जाए तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह इतना पवित्र हो जाएगा कि परम धाम की वाणी कहने लगे। ऊपर तले अर्श ने कहा, अर्श कहा मोमिन कलूब। आध्यात्मिक संपदा तो त्याग से मिलेगी, प्रेम से मिलेगी, विरह वैराग्य और समर्पण से मिलेगी। जिनके पास इन गुणों का अभाव है उसको कोई आध्यात्मिक संपदा नहीं मिल सकती है। चाहे किसी भी सिंहासन पर बैठा दीजिए। आप यहाँ कह सकते हैं कि विक्रमादित्य के सिंहासन के विषय में कहा जाता है कि जो उस सिंहासन पर बैठ जाता था वही न्याय करने लगता था। एक चरवाहे का बच्चा भी बैठ गया था तो न्याय करने लगा था। लेकिन यहाँ विक्रमादित्य के सिंहासन का प्रश्न नहीं है कि गादी पर बैठने मात्र से शक्ति आ जाती है। बिहारी जी के अंदर परमधाम की रतनबाई की आत्मा है। रतनबाई ने अपनी आत्मा के हृदय को धाम नहीं बनाया। तभी तो इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, सही तो मेरी बाई रतन मोह मिले छबीले लाल, करी मुझे सुहागिनी अब मैं वही निहाल। मेरे प्राणेश्वर मुझे मिल चुके हैं, अब मैं निहाल यानी आनंदित हो गई हूँ। देख तू सही मेरी, मैं लेऊँ धनी अपना, तो तू कहियो सुहागिनार। यदि मैं अपने धनी को अपने हृदय में बसा लेती हूँ तो मुझे परम धाम की ब्रह्मात्मा कहना। अब वाणी का प्रकाश अवतरित हो चुका है। छठे दिन की लीला में गादी पूजा का कोई महत्व नहीं, वृक्षों की पूजा का कोई महत्व नहीं। वाणी कहती है, वारने जाऊं वनराय वल्लभ की, जाकी सुख शीतल छाया। आगे के चरण में आता है, जाके देखे दूर जाए माया। ये नहीं कहीं लिखा है कि खिजड़ा वृक्ष की आरती उतारिए, भोग लगाइए, पूजन कीजिए। यानी वारने जाऊं वनराय वल्लभ की, जाके सुख शीतल छाया। जब खिजड़ा वृक्ष की स्मृति आती है महाराज को, तो वे स्मरण करके कहते हैं कि इसी वृक्ष के नीचे मेरे अक्षरातीत धाम धनी बैठते थे, सुंदर साथ से बातें करते थे। अब इस वृक्ष के स्मरण होने पर प्रियतम की लीलाओं का स्मरण होता है। लीलाओं का स्मरण होगा तो धाम धनी से प्रेम होगा, तो उस प्रेम के कारण माया हमसे दूर होगी। ऐसा नहीं कि वृक्ष की आरती भर उतार लेंगे, भोग लगा लेंगे तो हम माया हमसे दूर हो जाएगी। माया गई पुताने घेर, हमें आत्म तो ज्ञानी घेर। जब तक हृदय में प्रीतम की छवि न बसे, अक्षरातीत की शोभा न विराजमान हो जाए, तब तक किसी भी कर्मकांड से माया से साथ हमारा नहीं छूट सकता। अब सुरजी भाई कुछ नहीं सुनते हैं। धारा भाई अपने सारा वृतांत बता रहे हैं। पूरे परिवार समेत निष्कासित कर दिया जाता है धारा भाई को, सुरजी भाई के द्वारा, पूरे समाज के द्वारा कि नहीं, बिहारी जी का आदेश है तो हम तुम्हें अपने गांव में नहीं रहने देंगे। अब धारा भाई बिहारी जी के चरणों में जाते हैं, रो रो कर कहते हैं कि धामधनी हमसे गुनाह हो गया, हमने चर्चा कर दी, हमें अपनी शरण में रखिए, अब हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बिहारी जी कहाँ पसीजने वाले थे। पत्थर तो पिघल सकता है, लेकिन पद के अहंकार में बैठा हुआ व्यक्ति भला कहाँ से पिघले। बिहारी जी ऐसी मूर्ति है जिसने पिघलना ही नहीं जाना। संवेदना, संवेदना विहीनता अध्यात्म में यदि आ जाए तो अध्यात्म नहीं रहता। आप शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं और कोई दूध के बिना भूखों मर रहा है, तो क्या पत्थर के भगवान आपके दूध को स्वीकार कर लेंगे? कभी नहीं। आपके हृदय में करुणा नहीं है। आप भूखों को तड़पते हुए देख रहे हैं, लेकिन अपने भगवान के लिए 56 भोग बनाते हैं, तो क्या आपके भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे? सभी प्राणियों में जो आत्म चैतन्य है उसकी पीड़ा का एहसास आपको नहीं है। आप संवेदना से रहित हैं। अरे मेरे बच्चे को लेकर बैठा हो ना, शोर कर रही है, सारा डिस्टर्ब हो रहा है। आपके हृदय में संवेदना नहीं है। आप अध्यात्म के नाम पर शुष्क हृदय वाले बने हुए हैं, तो याद रखिए आपका ध्यान नहीं लग सकता, आपकी समाधि नहीं लग सकती। बिहारी जी महाराज वही एक प्रतिमूर्ति बन चुके हैं, शुष्कता की, संवेदनहीनता की और कठोरता की, जिनमें किसी प्राणी के लिए दर्द नहीं है कि यदि इसने चर्चा सुनाई दिया तो समाज से बहिष्कार क्यों। यदि देखा जाए तो हमारे इस हिंदू समाज में 70 लाख के लगभग महात्मा हैं। 70 लाख पादरी या 70 लाख मौलवी पूरी दुनिया में नहीं होंगे। लेकिन क्या कारण है कि हिंदू धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है? और क्रिश्चियनिटी सारे संसार में फैल गई, इस्लाम सारे संसार में फैल गया। इसका कारण यही है कि एक तो सन्यासियों का अधिकतर वर्ग अशिक्षित है, दूसरा ज्ञान को फैलाने की प्रवृत्ति नहीं है। होड़ लगी है अधिक से अधिक महलों की तरह मंदिर बनाने की, आश्रम बनाने की। चंद्रगुप्त और चाणक्य कुटिया से निकले, चाणक्य और चंद्रगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय से निकले, किसी महल से नहीं निकले। सोमनाथ के मंदिर से कोई मनीषी पैदा नहीं हुआ और वैसे मंदिरों से कोई होगा भी नहीं। जहाँ लाखों के चढ़ावे चढ़ते हों, करोड़ों के चढ़ावे चढ़ते हों, जहाँ सुख के संसाधन हों, वहाँ से कोई महान विद्वान, महान मनीषी, कोई परमांश न पैदा हुआ है, न कभी हो सकेगा। इसलिए ज्ञान का प्रकाश सबके हृदय में हो, यह जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। यहाँ वही घटना दोहराई जा रही है। यदि हमारे समाज के नहीं, सारे हिंदू समाज के सभी महात्मा इस बात पर दृढ़ संकल्पवान हो जाए कि हमें स्थानवाद, गादीवाद, व्यक्तिवाद से हटाकर सारे हिंदू समाज में ज्ञान का प्रकाश हो जा कर देना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि ज्ञान फैल जाएगा तो गादीवाद समाप्त हो जाएगा, व्यक्तिवाद समाप्त हो जाएगा। और आज जो लगभग 72 व्यक्ति ये सिद्ध करने में लगे हैं कि हम ही परमात्मा के अवतार हैं, वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा तो वह है जो सर्वशक्तिमान हो, सकल गुण निधान हो, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके अंदर रहता हो। मनुष्य तो जो आज परमात्मा कहला रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? कोई जेलों में मरता है, कोई गोलियों का शिकार बनता है, कोई किसी कारण आरोपित होता है, वो स्वयं अपराध से ग्रसित है, वो तो शून्य में धूल का एक कण भी नहीं बना सकता। और हिंदुस्तान में 72 व्यक्तियों ने घोषणा कर रखी है, हम ही विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, हम परमात्मा के स्वरूप हैं। ये अंधकार है। चारों वेदों में, 6 दर्शनों में ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं। यदि हम दावा करते हैं कि हमारे पास परमात्मा की शक्ति है, तो आप उस शक्ति से सबका कल्याण कीजिए। दूसरों का तन मन धन समर्पित कराकर स्वयं सुख ऐश्वर्य में क्यों पलते हैं? गादीवाद यही संदेश देता है। गादीवाद ने कभी समाज में ज्ञान का प्रकाश नहीं होने दिया। आज के प्रसंग में यही बात मूल रूप से उभर करके आएगी कि आप देखिए, बिहारी जी महाराज केवल चर्चा करने के कारण धाराभाई को निष्कासित कर देते हैं। धाराभाई अपनी सारी व्यथा सुना रहे हैं कि जब बिहारी जी के पास भी गया, रो रो करके मैंने प्रार्थना की, लेकिन बिहारी जी ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें निष्कासित कर दिया तो पुनः सुंदर साथ की जमात में सम्मिलित नहीं कर सकता। अब वो रो रो करके धाराभाई श्री जी से कहते हैं कि धाम धनी, 1 वर्ष हो गया, परिवार सहित मैं बाहर हूँ। आप सोचिए, घर पर तो आदमी रहता है तो कुछ जायदाद भी रहती है, खा पी लेता है। अपनी पत्नी के साथ, बहन के साथ, परिवार के साथ धाराभाई कहाँ कहाँ भटके होंगे। और 1 वर्ष से कोई पूछने वाला नहीं, समाज का कोई व्यक्ति 2 मुट्ठी अन्न देने के लिए राजी नहीं, क्योंकि सबको मालूम था कि यदि बिहारी जी महाराज की तीखी दृष्टि हो जाएगी तो परिणाम कितना भयंकर होगा। फूलबाई ने उस सुंदर साथ को भोजन करा दिया था, जिसके कारण बिहारी जी महाराज ने तय कर लिया था कि महाराज को या तो मेरे से संबंध रखना है या फूलबाई से संबंध रखना है। सबसे पहला निष्कासन श्री महाराज की धर्मपत्नी फूलबाई का ही हुआ, जिसके कारण फूलबाई को अपना तन भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन बिहारी जी महाराज नहीं पिघले थे। अब श्री जी से कहते हैं, धाराभाई, चाहे आप कुछ भी कीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूं, अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी आशा की अंतिम किरण आप हैं। श्री जी कहते हैं कि धाराभाई, तुम धैर्य रखो, जब बिहारी जी महाराज आएंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि तुम्हें सुंदर साथ की जमात में रख लेवें। अब श्री जी ने पहले पत्र लिखा था बिहारी जी महाराज को कि मैंने यहाँ जागने की मस्कत बंदर में क्या हुआ, अबासी बंदर में क्या हुआ, ठट्ठे नगर में क्या हुआ, दीप बंदर में क्या हुआ, सारा विवरण लिख करके श्री जी ने पत्र में भेजा था। बिहारी जी ने पढ़ा और कहा कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पास समय का अभाव है। फिर दोबारा लिख करके पत्र भेजा। दोबारा पत्र में क्या लिखा था कि धाम धनी महाराज, मैं जहाँ जहाँ गया सुंदर साथ ने बहुत भेंट दी है, वस्त्र आभूषण धन संपदा, वह तो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप नलिए आ जाएं तो आपका दर्शन भी मुझे प्राप्त हो जाएगा और ये सारी संपदा आपको समर्पित भी कर दूंगा। यह पत्र लिखकर विश्वनाथ जी को नए नगर जामनगर भेजा। भेंट लेने के लिए गादीपति महाराज क्यों नहीं आएंगे? तुरंत पत्र लिखा, तुम चिंता न करो, आखिर तुम परम धाम की मेरी ब्रह्मांगना हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, भला तुम मेरे बिना क्यों रह सकती हो। यह है भर्तृहरि ने क्या लिखा है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। जिसके पास धन हो वो शराब भी पीता है तो क्या कहा जाता है कि ये तो बड़े लोगों का काम है। गरीब आदमी पीता है तो उसके समाज में चौराहे पर पिटाई हो जाएगी कि ये गलत काम कर रहा है। अमीर आदमी कितना भी गलत काम करेगा तो उसको दोषी नहीं माना जाता। अब बिहारी जी महाराज अपने दलबल के साथ, दलबल का अर्थ समझते हैं, एक भोजन बनाने वाला होगा, एक हजूरी होगा, एक आसन बिछाने वाला होगा, 3-4 की जमात लेकर के चलते हैं। नलिये में नलिया के जो कामदार थे, एक हवेली उन्होंने दे दी, क्योंकि वो भी लोहाड़ा वंश के थे, परिचय से उन्होंने वहाँ ठहरने की व्यवस्था कर दी। नौतनपुर से चलकर पहले मंडई पहुँचे और मंडई से नलिये में आए। नलिये में हवेली ले ली गई थी। श्री जी ने सब सुंदर साथ को कहा कि बिहारी जी महाराज को धाम का धनी मानकर सेवा करनी है। रूपा और राधा और तेज भाई बुढ़िया जो वहाँ आवासी बंदर की थी वो भी चली आई थी। सबको समझाया धाम श्री जी ने, धाम धनी ने कि देखो बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, उनकी सेवा सच्चे हृदय से करना। यदि तुम उनकी सेवा नहीं करोगे तो मेरा तुम नाम नहीं लेना, मेरे से किसी तरह का रिश्ता नहीं। सबको डराया, क्यों, किस लिए? कोई ये न कहे कि श्री जी को मानने वाले गादीपति महाराज की सेवा नहीं करते। एक शिष्टाचार का पालन हो रहा है, लेकिन सेवा कब होती है? जब हृदय में भाव होता है। भाव नहीं है तो सेवा नहीं होती, जबरन किसी से सेवा नहीं ली जा सकती। अब श्री जी कितना भी डराते हैं तो रूपाबाई का मन, राधा का मन सेवा में अच्छी तरह से लगता नहीं। बिहारी जी महाराज आते हैं, धारा भाई आकर के सूचना देते हैं कि धामधनी बिहारी जी महाराज आ गए। सब मिलते हैं, खुश हो जाते हैं। श्री जी के पास जो भी संपदा मिली, मस्कत में, आवासी बंदर में, जहाँ जहाँ सुंदर साथ ने भेंट में दिया था, सब बिहारी जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। श्री बाईजूराज जी के जो वस्त्र और आभूषण थे, श्रृंगार के समान थे, वह सब भी सेवा में दे दिया। अपने पास क्या रखा? पहन पोतिया जुदे हुए, केवल 2 कपड़ों का सेट अपने पास रखा, इसके अलावा कुछ नहीं रखा। सब कुछ बिहारी जी महाराज को सौंप दिया। अब वहाँ चर्चा होने लगती है। जहाँ श्री जी हो और चर्चा ना हो, ये कभी संभव ही नहीं। चर्चा का प्रवाह आगे बढ़ता जाता है। श्री जी प्रसंग के अनुसार सब सुंदर साथ को भाव के अनुसार भाव दर्शाकर चर्चा सुनाते हैं। अखंड ब्रज रास परम धाम की चर्चा जब होने लगती है तो सुंदर साथ को बहुत अधिक आनंद होता है। यहाँ सूरत से 8 सुंदर साथ भी आए होते हैं श्री जी के दर्शन के लिए। सब सुंदर साथ आनंदित होते हैं, चर्चा का प्रवाह चल पड़ता है। चर्चा करते करते एक दिन बिहारी जी का मन जब खुश देखा तो श्री जी ने निवेदन किया कि धामधनी, आपको मालूम है कि पिछले 1 वर्ष से धाराभाई को पूरे परिवार सहित निष्कासित कर दिया है और धाराभाई ने आपके शुभ आगमन की मुझे सूचना दी थी, इसलिए मैं धाराभाई का ऋणी हूँ कि आपके शुभ आगमन की सूचना दी। मैं अपना जीवन न्यौछावर कर दूँ धाराभाई पर तो उस ऋण का को मैं पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके धाराभाई को सुंदर साथ के समूह में रख लीजिए। यह बात सुनते ही बिहारी जी महाराज तमतमा उठते हैं, कहते हैं कि नहीं, किसी भी तरह से धाराभाई को सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इनके इस कार्य से, एक कार्य से मैं बहुत दुखी हूँ। क्या दुख है कि धाराभाई का कहना है कि मुझे आवेश आता है। जब उसको आवेश आता है तब तो राज्य वह हो गया और मेरी सारी अंगनाओं का प्रीतम कौन हो जाएगा? धाराभाई, क्योंकि उनको परमधाम का कुछ ज्ञान तो था नहीं। यही समझ लेते हैं कि जो गद्दी पर बैठ जाएगा वो राज्य हो जाएगा। जब गद्दी पर मैं बैठा हूँ तो मेरे रहते रहते दूसरा अक्षरातीत कहाँ से हो सकता है? इसने तो मेरा पद भी लिया और मेरी 12,000 अंगनाओं पर अधिकार भी जता रहा है, इसलिए मुझे इसका दुख है। मैं कभी भी सुंदर साथ के समूह में मैं इनको शामिल नहीं कर सकता। आज भाई जो धाराभाई की बहन थी वो भी आई थी, सुरजी भाई भी थे, हरिवंश भी थे, नरहर भी थे। इन सब सुंदर साथ ने प्रार्थना की। श्री जी ने जितनी बार प्रार्थना की, बिहारी जी ने उतनी ही दृढ़ता से कहा कि नहीं, किसी भी स्थिति में धाराभाई को सुंदर साथ के समूह में हम शामिल नहीं कर सकते। जब काफ़ी दबाव दिया तो बिहारी जी महाराज का एक ही कहना था कि तुम लाख बार कहोगे तो भी मेरा उत्तर एक ही होगा कि बिहारी जी को, कि धाराभाई को कभी भी सुंदर साथ के समूह में नहीं लेना है। 2-4 दिन के बाद श्री जी ने पुनः प्रार्थना की कि बिहारी जी महाराज, मनुष्य गलती हो ही जाती है, धाराभाई ने भी गलती कर दी कि चर्चा सुना दी, आपको पसंद नहीं है तो अभी चर्चा नहीं सुनाएगा, कम से कम सुंदर साथ में तो शामिल कर लीजिए। बिहारी जी का कहना है कि नहीं, तुम्हारी लाख बातों का मेरा एक ही उत्तर रहेगा कि बिहारी जी को, कि धाराभाई को परिवार समेत निष्कासित ही रहना होगा। किसी मकान की जब एक ईंट निकलती है तो मकान में कमजोरी हो जाती है। एक एक ईंट को जोड़कर कोई भी मकान बनाया जाता है। जब जमे जमे मकान से कोई ईंट निकलती है तो कुछ कमजोरी आती रहती है। हाँ, जो अधर्म की राह पर चलने वाले हैं उनका निष्कासन अवश्य होना चाहिए। जो किसी संस्था को, समाज को, परिवार को दूषित करते हैं उनको दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन जो धर्म की राह पर चलने वाला हो, ज्ञान का प्रकाश करने वाला हो, यदि आप उसको दबाएंगे, कुचलेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होता। मनीषियों का कथन है कि दुर्बल को न सताइए, जाके मोटी हाय, मरे खाल की सांसों सार भस्म हो जाए। एक निर्जीव जो चमड़े की भांति होती है लोहार की, जब वो कांपती है तो उससे आग निकलती है और लोहा भी भस्म हो जाता है। इसलिए किसी की आह नहीं होनी चाहिए, कोई पीड़ित ना हो। यदि आप चक्रवर्ती सम्राट बने, यदि आपको लाखों लोग प्रणाम करते हैं श्रद्धा से, तो भी आप किसी निर्दोष को दंडित न कीजिए, निर्दोष को सजा न दीजिए। हाँ, जो अत्याचारी है, यदि वो चक्रवर्ती सम्राट भी है तो उससे, उसके सामने झुकना नहीं चाहिए, उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। कहने का से क्या, केवल धर्म का पक्ष लेना चाहिए, अधर्म का नहीं। धर्म की राह पर चलने वाला कितना भी गरीब है, कितना भी समाज का पिछड़ा व्यक्ति है, उसी का साथ देना चाहिए। और अधर्म की राह पर चलने वाला चाहे कितना भी धनवान हो, सारी पृथ्वी का सम्राट हो, फिर भी उसके सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। यही शाश्वत धर्म का आदेश है। अंत में श्री जी की चर्चा का प्रवाह चलता रहता है। देख नूर चर्चा रोशनी, भाई बिहारी जी को शक, ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ये बहुत बड़ी बुजरक। हर गादीपति को यही डर रहता है। देख नूर चर्चा रोशनी, भाई बिहारी जी को शक। बिहारी जी के मन में डर बैठ जाता है कि ये मेहराज जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, सारा सुंदर साथ तो इनके साथ हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? ये तहकीक मसनद मेरी लेगा, ये मेरी गादी पर अधिकार कर लेगा। गादी में क्या है? कुछ नहीं। गादी के नाम पर चढ़ावा चढ़ता है, गादी के नाम पर लोगों की श्रद्धा केंद्रित होती है। उस स्थान की गादी है, हमें वहाँ जाना चाहिए, भेंट चढ़ाना चाहिए, और कोई संपदा तो नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक संपदा कब मिलेगी? जब आप अपनी आंखें बंद कर मन को शांत कर प्रियतम का ध्यान करेंगे, तब तो आपकी संपदा, आपके हृदय में कुछ अखंड की संपदा आएगी। सोने की ईंटों से कोई मंदिर बना दीजिए, सोने की पत्थर से दीवारें मढ़वा दीजिए, हीरे मोतियों के अरबों के आभूषण चढ़ा दीजिए, तो क्या परमात्मा की वहाँ बैठक हो जाएगी? अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। सज्जा तैयार करनी है, अर्ज दिल की सज्जा, सेज बिछाई रुच रुच के। महामती जी की आत्मा कह रहे हैं कि मेरे आराध्य, मेरे सर्वेश्वर, मेरे प्राणवल्लभ अक्षरातीत, मेरे धाम हृदय में आ जाइए। आपके लिए मैंने अपने हृदय की सज्जा को सजाया है। कैसे? ईमान का पलंग है। ईमान का पलंग कब तैयार होगा? जब तारतम वाणी का प्रकाश होगा, तो एक अक्षरातीत पर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास हमारे हृदय में आएगा, जिसको कहते हैं ईमान। ईमान का पलंग हो, समर्पण का बिछौना हो, विरह के उस बिछौने पर फूल रखे हो, श्रद्धा की चादर बिछी हो, एकनिष्ठता का तकिया हो। ऐसा यदि आपने कर दिया तो देखिए अक्षरातीत को क्यों नहीं आना पड़ेगा। जो प्राण के हृदय, प्राण की नली से भी निकट है, उसको आने में देर नहीं लगती है। कमी हमारे के अंदर है, कमी हमारे भजन में ताते पावत ना आए। भजन का अर्थ क्या होता है? माला पर जप करना नहीं, ये तो बच्चों का काम होता है। माला पर जो जप करते हैं वे बच्चों वाला काम करते हैं। जो हृदय में बसता है, आप बताएंगे गोपियों ने कितने करोड़ माला का जप किया? वेद सम्मत नहीं है माला का जप। योग दर्शन में लिखा है तत् जपः तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से उसका जप किया जाए। एक सीडी में तारतम लिख दीजिए, गायत्री मंत्र लिख दीजिए। सीडी दिन रात 10 सालों तक बजती रहे तो क्या सीडी में अक्षरातीत आ जाएंगे? कभी नहीं होगा। 3 तरह के जप होते हैं। एक होता है मानसिक, मन में, एक होता है वाचिक, बोलकर, और एक होता है उपांस, होठों में बुदबुदाकर। प्राथमिक स्तर पर ठीक है जप। जप कैसा होना चाहिए? तत् जपः तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से उसका जप हो। आप राज राज कहते रहिए, राजसमा कहिए, और अपना सारा ध्यान अपने बेटी बेटी पर लगाइए। अपने बेटे और बेटी को राज्य समाजी मानकर उसका जप करते रहिए, तो राज्य थोड़े मिलेंगे। जब तक भावना है कि जिसको हम जप कर रहे हैं वही हमारी आत्मा का प्रियतम है। श्री जी तो जैन पंथ में भी कहा जाता है, जैन पंथ मत में भी महावीर स्वामी को भी श्री जी कहते हैं, उनके आचार्यों को भी कह देते हैं। प्राणनाथ कोई अपने बेटे का नाम रख ले तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अक्षरातीत हो जाएगा। हमारी भावना उससे जुड़ी होनी चाहिए कि यह अक्षरातीत है। इसलिए जो जप हो, ऐसा जप हो जिसमें होठ न हिले, शरीर न हिले, हमारे हृदय से पुकार जाए, तब हमारा मन पवित्र होने लगता है। और जप जो है प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। बड़ों के लिए तो हाँ, उठते बैठते सोते जागते किसी की निंदा करने की अपेक्षा मन में हृदय से राजसमा करते रहें तो हमारा मन पवित्र रहेगा, सकारात्मक बना रहेगा, किसी की बुराई देखकर उसमें नहीं फंसेगा। ये इस दृष्टि से लाभदायक है। अब श्री जी का मार्ग है परम धाम के ज्ञान की प्रकाश का, बिहारी जी का मार्ग है गादी पर बैठकर किसी को भी ज्ञान सुनने नहीं देना, न तो स्वयं उन्हें ज्ञान है, न किसी को सुनने देना चाहते हैं। उनको डर है कि ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा तो मेरी गति चली जाएगी, और ये कड़वा सच है। सारे उपनिषदों के पन्ने पलट लीजिए, वेद के एक एक मंत्र का अवलोकन कर लीजिए, कहीं भी नहीं लिखा है, ये मैं कड़वा सच कहने जा रहा हूँ, कि परमात्मा किसी स्थान विशेष पर रहता है। बद्रिकाश्रम में रहता है, तिरुपति मंदिर में रहता है, वैष्णो देवी के स्थान पर जम्मू में रहता है, केदारनाथ में रहता है, रामेश्वर में रहता है, जगन्नाथपुरी में रहता है, कहीं नहीं लिखा है। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट लिखा है, यह आत्मनितिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है, लेकिन वह उसको नहीं जानते। जैसे कहावत कही जाए कि परमात्मा व्यापक है तो मूर्ति में भी तो व्यापक है, लेकिन जो देखने वाला है वह तो मूर्ति में नहीं है। जब हृदय में जीव है, आत्मा है, तो वहीं जो चेतन है वहीं तो दर्शन कर लेगा। जैसे मैं यहाँ सरसावा में हूँ तो सरसावा को देख सकता हूँ, यहाँ से बैठे बैठे मुंबई को तो नहीं देख सकता। इसलिए चारों वेदों का, 6 दर्शनों का, उपनिषदों का, दर्शनों का एक ही सिद्धांत है कि आत्म चैतन्य के द्वारा, आत्मदृष्टि के द्वारा ही परम तत्व को देखा जा सकता है। वाणी क्या कहती है? जो मासूक सेज न आया देखा सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को तय निर्फल गई जोरा। इस खेल में आना हमारा व्यर्थ है, यदि अपने आराध्य को हमने देखा नहीं, उससे बातें नहीं की, उसकी बातें नहीं सुनी तो। लेकिन उसका दर्शन कब होगा? जब हम चितवनी में डूबेंगे, शरीर को भूल जाएंगे, संसार को भूल जाएंगे, और हमारी सुरता परम धाम में विचरण करेगी। हद को छोड़ेंगे, बेहद को छोड़ेंगे, परम धाम मूल मिलावे में जाएंगे, तब तो मूल मिलावे वाला दर्शन देगा। हमने केवल मंदिरों की श्रृंखला खड़ी कर लेगी, चितवनी भी ना करें, अपने हृदय को पवित्र भी ना बनाएं, राज्य के प्रति श्रद्धा समर्पण भी ना रखें, ज्ञान का प्रकाश भी ना रखें, न किसी को वाणी का ज्ञान ग्रहण करने दें, न खुद करें, न चितवनी करें, न किसी को करने दें। कह देंगे कि राज्य को देखा नहीं जा सकता, राज्य से मिला नहीं जा सकता, केवल सेवा पूजा करते रहो, तो राज्य का दर्शन कैसे होगा? राज्य को पाना है तो अपनी अंतर्दृष्टि को खोलना पड़ेगा। भाव भ्रिकुटी पल पापड़ मुस्कत निलवट केस इनबे हक मुख न रखिए, तब खुले अंतर के पट। अपने मन की चंचलता को समाप्त कर दीजिए, अंतर्दृष्टि को एकाग्र कीजिए, अपने संकल्प बल से काल माया युग माया को पार करके परम धाम जाइए। राज्य के मुखारबिंद को देखिए, भाव हैं कैसी हैं, भ्रिकुटी कैसी है, पलकें कैसी हैं, सिंदूरिया पाग से सिर की शोभा कैसी है, चरण कमल की शोभा कैसी है। जब आप देखते देखते आपका हृदय स्फटिक मणि की तरह निर्मल हो जाएगा, तो उस आपके हृदय के सिंहासन पर तो अक्षरातीत विराजमान होंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि 10 लाख एक ही बार चढ़ा दिया तो राज्य खुश होकर वरदान दे देंगे कि तुम्हें परम धाम दिख जाएगा, संभव नहीं है। हाँ, यदि आपके हृदय में सच्चा त्याग है तो राज्य, यदि आप धन की भी सेवा सच्चे हृदय से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो राज्य आपके हृदय को और कोमल बनाएंगे। लेकिन कृपा तभी होगी जब आपके हृदय में प्रेम होगा, विरह होगा, श्रद्धा होगी, समर्पण होगा। राज्य महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। महामती जी गुम्मट जी के अंदर चबूतरे पर के सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए गुम्मट जी की महिमा सर्वोपरि है, स्थान की महिमा नहीं। मंदिर की महत्ता इसलिए है कि महामती जी के धाम हृदय में राज्य विराजमान है। देश में बड़े बड़े स्थान हैं, सुंदर सुंदर मंदिर है, लेकिन जहाँ महामती जी हैं वही अक्षरातीत है। इसलिए कहा है कि देहरू की सब चुमसी खाक, सिरदार मेहर बान दिल पाक। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब महामती जी के धाम हृदय को छोड़कर हम गादियों में सिर पटकते हैं, हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में नहीं देखते कि हमारा प्राणेश्वर हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। कलश का भी प्रसंग आएगा। कलश में क्या कह दिया है, इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताई प्रेमे रमाणु रंग, सुख देऊँ सुख लेऊँ सुखी जगाऊँ साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। मैंने जागनी ब्रह्मांड की सारी सुबह महामती जी को दे रखी है। जब तक यह खेल चल रहा है, खेल से रास मिल जागनी 36,000 संयन। जहाँ महामती जी के चरण कमल हैं वहीं अक्षरातीत है। कोई भी ब्रह्मात्मा तन छोड़ती है तो महामती जी के चरणों में पहुंचती है। इसलिए गुमर जी के सिवाय अन्य कोई स्थान धाम नहीं कहला सकता। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन बातीनी रूप से हमारी आत्मा का हृदय ही वह धाम है जहाँ युगल स्वरूप के दर्शन होने हैं। जिन्हें अपनी आत्मा को जागृत करना है उन्हें चितवनी करनी ही पड़ेगी। इसके सिवाय कोई अन्य स्थान नहीं है। कोई यह सोचता है कि हम किसी गादी से जुड़ जाएंगे, किसी समाधि से जुड़ जाएंगे, हम चित्र की तरफ देखते रहेंगे तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, ये संभव नहीं है। हमारी दृष्टि से संसार हटना चाहिए। जैसा बाहर होते हैं जो होए ऐसा दिल, तो अदकिन पीव नारा नहीं माहे रहे हिलमिल। आधे क्षण के लिए भी राज्य हमसे दूर नहीं है। दूर इसलिए नजर आते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि संसार को देख रही होती है। अब बिहारी जी को शक बैठ जाती है कि कहीं महाराज मेरी गादी तो नहीं ले लेंगे। गादी ले लेने से क्या चला जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी। क्योंकि गादी पर बैठने से ही तो सब लोग उनको राज्य के बराबर मान रहे हैं। गादी से उतार दिए जाएंगे तो कौन मानेगा, और गादी पर बैठने से ही धन संपदा का चढ़ावा चढ़ रहा है। आजकल बड़े बड़े नगरों में धर्म भी एक व्यापार बन गया है। आप एक मंदिर बना दीजिए और लिख दीजिए अति प्राचीन मंदिर, बस देखिए चढ़ावा चढ़ना शुरू हो जाता है। परमात्मा क्या कोई भिखमंगा है कि वो आपके 5 रुपये 10 रुपये का प्यासा है, आपके मिठाई के पैकेट का प्यासा है। मुसलमान क्यों आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू समाज का पतन क्यों हो रहा है। एक हिंदू जब मंदिर में जाएगा तो 1 रुपये का 5 रुपये का सिक्का निकाल कर ऐसे फेंकेगा जैसे किसी भिखमंगे को दे रहा हो। मुसलमान कभी ऐसा नहीं करता। उनका अल्लाह सर्वव्यापक है। हिंदुओं ने अपने परमात्मा को एक मंदिर में बना दिया और उसको कमाई का साधन बना लिया। जितनी जो कब्रें हैं, पंजाब में सूफी मत का बोलबाला रहा। सूफी लोगों को ज़मीन में कब्र में रखा जाता था। 90% जाने वाले हिंदू ही हैं। जैसे आप देखिए अजमेर में लोग जाते हैं ख्वाजा की दरगाह पर, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि आखिर ख्वाजा जो सूफी फकीर थे वो भी तो अल्लाह की इबादत करते थे। हम भी क्यों नहीं उन्हीं की इबादत करके कुछ मांग लें। मुसलमान तो समझता है लेकिन हिंदू का कोई ईमान नहीं। वो तो घर के बाहर एक चबूतरे पर भी सिर पटक देगा। खेत में ईंटों का जी चबूतरा होगा, किसी ने कह दिया कि देवता है तो वहाँ पूरी मिठाई रख देगा। कब्र पे भी सिर पटकेगा, कब्र में क्या रखी है। जिसने शरीर छोड़ा उसकी तो हड्डियाँ भी गल गई है। हृदय में जो परमात्मा बसता है उस पर श्रद्धा नहीं है। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है जो पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियों का निर्माता है, अनंत गैलेक्सियों का निर्माता है। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को हिंदू भिखमंगा समझता है। 5 रुपये के नोट पर, एक मिठाई के पैकेट पर, और लालच भी देता है कि यदि मेरी कामना पूरी हो गई तो आपको और चढ़ाऊँगा। जैसे आपके चढ़ाए बिना उसका काम नहीं होता। जब से ये प्रक्रिया हो गई तभी से हिंदू समाज पतन की तरफ चल पड़ा। कभी एक समय था पूरे विश्व में वैदिक संस्कृत फैली हुई थी, लेकिन सिमटते सिमटते हिंदुस्तान में आ गया। कभी रूस में भारतीय संस्कृत थी, चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सभी भारतीय संस्कृत के अंदर थे 5,000 वर्ष पहले। और 5,000 के बाद जो पतन शुरू हुआ, जब से इन्होंने पत्थर पूजना शुरू किया वैदिक शिक्षा से अपने को अलग किया, ध्यान प्रक्रिया छोड़ी, जड़ पदार्थों में लग गए। तब से सिमटते सिमटते भारत के भी दो टुकड़े हो गए, भारत में रहे और भारत में अभी पता नहीं क्या इनका होगा। लेकिन अभी भी सावचेत नहीं आ रही है कि कब्रों पर सिर तो पटकना बंद करो, पत्थरों से मांगते हो, अपनी आत्मा के अंदर जो तुम्हारी आत्मा के अंदर बैठता है उससे क्यों नहीं मांगते, सच्चे हृदय से उसकी क्यों नहीं भक्ति करते। एक मंदिर बना दीजिए, उसमें हनुमान जी को भी रख दीजिए, गणेश को भी रख दीजिए, शंकर जी को भी रख दीजिए, काली को भी रख दीजिए, दुर्गा को भी रख दीजिए। आखिर जो जिसको मानने वाला होगा किसी पर तो चढ़ाएगा, और ऐसा ही शहरों में चल पड़ा है। यानी भगवान के नाम पर व्यापार की दुकानें खुल गई हैं कि कोई ग्राहक हमारे से नहीं जाने पाए। ये धर्म नहीं है। हमने महापुरुषों के गुणों का सम्मान नहीं किया। योगेश्वर शिव से नहीं सीखा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कुछ सीखना नहीं चाहा, ब्रह्मचारी हनुमान जी से कुछ सीखना नहीं चाहा, काली के जो गुण हैं, दुर्गा के जो गुण हैं, उसको गुणों को सीखना नहीं चाहा कि हमारे अंदर का जो महिषासुर है, अज्ञान रूपी महिषासुर, जो काले भैंसे पर सवार है, तमोगुण के भैंसे पर, उसको मारने के लिए हमें अपनी दैवी शक्तियों को संग्रहित करना होगा। वो तो हम करते नहीं, उनकी मूर्तियाँ बनाकर चढ़ावा इकट्ठा करते हैं, उसी से संसारिक जीवन बिताते हैं और कहते हैं कि यही धर्म है। क्या ऐसा चारों वेदों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, गीता में लिखा है, 6 दर्शनों में लिखा है, तारतम वाणी में भी कहीं नहीं लिखा, बीतक में कहीं नहीं लिखा। लेकिन फिर भी गादी और मंदिरवाद ये जड़ता को पैदा करने वाले हैं। जब तक इनका अस्तित्व रहेगा तब तक समाज में शिक्षा नहीं फैल सकती है, तब तक कोई भी नहीं खोल कर देखेगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। जब तक हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, जब तक हमारी इंद्रियां विषयों से हटेंगी नहीं, हमारा मन शांत नहीं होगा, हम ध्यान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक प्रियतम का साक्षात्कार कैसे होगा। आप अष्टभर की लीला में देखिए, स्वयं अक्षरातीत है महामती जी के धाम हृदय में, लेकिन सवेरे भी चितवनी करवाते हैं, शाम को भी चितवनी करवाते हैं। सवेरे भी 9 से 12 चर्चा होती है, रात को भी 9 से 12 चर्चा होती है, 2 बजे रात तक उस चर्चा को पुनः दोहराया जाता है। ऐसा करने से हमारी आत्मा जागृत होती है। आजकल तो प्रक्रिया ही समाप्त हो गई। आजकल तो शयन आरती हुई और सब खर्राटे लेने लगते हैं। 12 बजे के बाद जाइए सभी स्थानों पर, तो अधिकतर स्थानों पर लोग सोते हुए मिलेंगे, कोई बिरला ही होगा जो वाणी का चिंतन करता हो, ध्यान करता हो। जब तक ये प्रक्रिया हमारी सुधरेगी नहीं, हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, अपनी अंतर्दृष्टि को नहीं खोलेंगे, तब तक हमारी आत्मा की जागने का मार्ग नहीं खुल सकता। अब बिहारी जी गादी पर बैठे हैं, वो किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि ज्ञान का प्रकाश फैले, इसलिए उन्होंने सोचा कि मिहराज के साथ तो एक बहुत बड़ी जमात खड़ी हो गई है, मैं तो केवल निकालता ही हूँ, इसलिए समझौता कर लिया जाए। समझौते में कहे कि अच्छा मिहराज देखो, हम तुम्हारे बीच में, हमारे तुम्हारे बीच में समझौता हो जाना चाहिए। श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, देवचंद जी ने मुझे अखंड निधि दी है परम धाम की, और जब मैं इस परम धाम की वाणी को संसार के सामने सुनाऊंगा तो सारा संसार मेरा अनुगामी बनेगा। बिहारी जी का कहना क्या है कि देखो महाराज, मेरे लिए तुम्हारी तरह विरक्त होना संभव नहीं है। ये जो नागजी भाई है, नागजी भाई की पत्नी भी मेरे साथ ही रहती है। नागजी भाई उनका भांजा था, एक तरह से वास्तविक भांजा नहीं था, देवचंद जी ने गोद लिया हुआ था श्याम जी के, जो श्याम जी जो गांगजी भाई के बेटे थे, उनके खानदान का हुआ था। बिहारी जी का कहना है कि मेरे साथ नागजी भाई का भी परिवार है, उनकी पत्नी है, भारी भरकम शरीर वाली है, इन सबको लेकर मैं कहाँ कहाँ घूमता फिरूं। तुम्हारे लिए तो संभव है, तुम्हारी पत्नी की पहले मृत्यु हो गई, अब दूसरी तेज भाई है, तुम दोनों कहीं भी आ जा सकते हो, मैं इतना कुटुंब कबीला लेकर के कहाँ जाऊँगा जो तुम कहते हो कि हमारे साथ चलिए। तो इसलिए मेरा तुम्हारा एक साथ नहीं हो पाएगा। श्री जी कहते हैं कि देखिए, मुझे मालूम है कि आपको परमधाम का ज्ञान नहीं है, तो आप इसे चिंता न कीजिए। चर्चा मैं सुनाऊंगा, आपको अटारी पर ऊंचे स्थान पर सिंहासन पर मैं बैठा दूंगा और सबको कहूंगा कि अपना आत्मकल्याण चाहते हो तो आपके चरणों में आकर प्रणाम करें। आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। एक कहावत कही जाती है, मूर्खाणाम बलम मौनम। मूर्ख का सबसे बड़ा बल क्या है? मौन हो जाना। जो भागवत की कथा करते हैं उनका पहले नियम होता है कि कोई हमसे प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि उनको डर होता है। कितने बड़े ऊंचे आसन पर बैठे हैं, किसी ने प्रश्न कर दिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए अपने आसन की महत्ता बता देते हैं कि इस व्यास आसन पर जो बैठेगा उससे प्रश्न नहीं किया जा सकता है। बिहारी जी महाराज को श्री जी समझाते हुए कहते हैं कि देखिए बिहारी जी महाराज, आप तो निश्चिंत रहिए कि भले ही आपके पास ज्ञान नहीं है, ये सारा उत्तरदायित्व मैं लूँगा। आप तो केवल आशीर्वाद देने के लिए बने रहिए, सबको आशीर्वाद दे दिया कीजिए, मैं आपके पास भेजा करूँगा। लेकिन सतगुरु धनी सिद्धेवचंद जी ने जो निधि मुझे दी है वह मैं और सुनाऊँगा। कहते हैं बिहारी जी कि देखो, मुझे मालूम है कि तुम हलार देश में नहीं रह सकते, क्योंकि खंबालिया के राजा से तुम्हारा बैर भी है और तुम अहमदाबाद से छिप करके निकले हो, तो अच्छा ये रहेगा कि तुम कच्छ में चले जाओ और वहाँ जा कर के चाकरी करो, यानी राजा की नौकरी कर लो। श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, मेरे पास परम धाम की अखंड निधि है, तो मैं माया के जीवों की नौकरी क्यों करूँगा? जब मैं परम धाम का ज्ञान इन राजाओं को सुनाऊंगा तो ये राजा भी मेरे चरणों में आ जाएंगे, मैं इनकी नौकरी नहीं कर सकता। जब श्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि मैं तो ज्ञान का प्रकाश करूंगा, तो बिहारी जी को ये बात पसंद नहीं आई। वहाँ से दोनों के बीच में दरार पड़ गई। श्री जी ने तब भी कहा कि महाराज, आप जरा सी बात पर सबको बहिष्कृत कर देते हैं तो ये कैसे चलेगा? श्री जी मन में सोचते हैं कि यदि बिहारी जी पर राज्य की जरा भी कृपा हो तो इतना कठोर दिल तो नहीं होना चाहिए कि धारा भाई को परिवार समेत निकाल दिया। और एक बात यह भी हुई कि रूपाबाई राधा का मन सेवा में नहीं लगता था, तो बिहारी जी को बहुत गुस्सा चढ़ा था कि ये दोनों मेरी सेवा नहीं करती हैं तो इनको भी बहिष्कृत कर दो। यही होता है। आप देखिए, इतिहास के पन्ने पलटिए, सोमनाथ के मंदिर में लगभग 1000 पंडे रहते थे, देवदासियाँ रहती थी नृत्य कराने के लिए। एक जड़ मूर्ति को देवता मानकर उसको खुश करने के लिए 1000 पंडे नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। सोने के थंबों से बना हुआ मंदिर, देवदासियों का समूह नृत्य कर रहा है और पंडे पुजारी भोग विलास में लिप्त। तभी तो महमूद गजनवी ने उस मंदिर को तोड़ा। यदि उन 1000 पंडों में एक भी विद्वान होता तो शायद वहाँ के राजा को मार्गदर्शन देता कि आप ज्योतिष की प्रतीक्षा न कीजिए, शत्रु आ रहा है, पहले उसको रोकिए। लेकिन पंडों ने कहा कि पहले तो कहा कि अभी मुहूर्त नहीं हुआ है, बाद में कहने लगे अरे साक्षात ये परमात्मा है बिना किसी आधार के, क्योंकि मूर्ति के चारों कोनों पर 4 चुंबक रखे थे और बिना किसी आधार के मूर्ति आकाश में लटक रही थी। भोली भाली जनता देख रही थी कि कितना बड़ा आश्चर्य है, ये तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। और जब महमूद गजनवी ने गदा के प्रहार से एक चुंबक को गिरा दिया तो मूर्ति धड़ाम से गिर पड़ी थी। आप सोचिए, यदि सोमनाथ के मंदिर के स्थान पर कोई गुरुकुल होता, वेद शास्त्र पढ़ाए जाते, तो शायद ये देश गुलाम नहीं होता। आज भी वही चल रहा है। केवल धन कमाने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, परमात्मा का दर्शन करने के लिए नहीं। ये कड़वा सच है और इस कड़वे सच को शायद समाज का अग्रगण्य व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि मंदिरों की स्थापना से बिना परिश्रम किए चढ़ावा आता है। यदि मंदिर हट जाए, गादी परंपरा हट जाए, तो तो सबको वेद शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। बिना परिश्रम किए ही जब सब कुछ आ रहा है तो क्या हो सकता है ये करने की। यही सबसे बड़ी समस्या है। जानबूझकर मूर्ति पूजा को समाज पर थोपा जाता है, जल पूजा को प्रचारित किया जाता है, मूर्तियों को दूध से नहलाया जाता है, सोने के सिंहासन बनाए जाते हैं मूर्तियों के लिए। अब तो साईं बाबा का भी सिंहासन सोने का बन गया, खड़ाऊ भी सोने की, रथ भी सोने का। ये कितना बड़ा अंधविश्वास है। जिन श्रीमान ने साईं बाबा के लिए सोने का सिंहासन बनाया होगा, सोने का रथ दान दिया होगा, कभी उनको क्या दया नहीं आई होगी कि आदिवासी इलाकों में जिन बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं, खाने के लिए दो रोटी नहीं, उनके लिए कोई विद्यालय बनवा दें, उनके लिए चिकित्सालय बनवा दें। मैं सिक्किम के क्षेत्र में गया हूँ। उन पर्वतीय इलाकों में यदि किसी को अचानक बुखार हो जाए तो दवा कहाँ से लाएं, डॉक्टर पास में है नहीं। परिणाम इतना पैसा नहीं होता कि बस से लंबी दूरी सफ़र करके तुरंत डॉक्टर लाएं। क्रिश्चियन मिशनरी के लोग पहुंचते हैं, दवा दे देते हैं और कहते हैं कि देखो ईसा मसीह की कृपा से बुखार ठीक हो गया, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। लोग बन जाते हैं, क्या करेंगे। करोड़ों लोग जो इस देश की संस्कृति में पले बढ़े थे धर्मांतरित करके आपसे अलग हो गए। लेकिन आपके भगवान को कभी ये नहीं दिखा कि जब मुगल आक्रमण करते थे तो भगवान तो छिप जाते थे। जब औरंगजेब की सेना ने काशी पर हमला किया तो पंडों ने काशी विश्वनाथ जी को कुएं में छिपा दिया। जब सृष्टिकर्ता भगवान ही छिप रहा है एक मुगल आक्रमणकारी की सेना से, तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। यह सबसे बड़ी समस्या है। सर्वशक्तिमान परमात्मा का आश्रय हमें नहीं है। वेद ने क्या कहा, अयम में हस्तो भगवान, या मेरा हाथ ही भगवान है। अयम में भगवत तरह, अयम में हस्तो विश्व भेषो, अयम शिव अभिवर्चना, यह मेरा हाथ दुनिया के सभी रोगों की औषधि है, यह मेरा हाथ सभी का कल्याण करने वाला है। हम पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं करते। किसी कारीगर ने मूर्ति बनाई होती है, हम उसके आगे दंडवत करते हैं। परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों से हम घृणा करते हैं कि वो छोटी जाति का है, वो ये है, उसको अपने मंदिर में नहीं घुसने देते। हमने जो मूर्तियाँ बनाई हैं उसके लिए सोने का सिंहासन रख देते हैं, उसी को भोग लगाते हैं। किसी को भूख से मरते हुए देखकर हमारा हृदय नहीं पिघलता। कई बार समाचार पत्रों में भी आता है किसी के पास दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं होते, कहीं अकाल पड़ता है, लोग भूख से तड़पते वे प्राण छोड़ देते हैं। लेकिन किसी मठाधीश को, किसी गादीपति को ये नहीं तरस आता कि हम चलें वहाँ कुछ गरीबों के, दीन दुखियों की रक्षा करें। इस संबंध में तो विवेकानंद से शिक्षा लेनी चाहिए कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने निर्णय लिया मठ बनाने का अपने गुरुदेव के नाम का, रामकृष्ण परमहंस का। वहाँ महामारी फैल गई, जब लोग मरने लगे तो विवेकानंद ने वो पूरी ज़मीन सब बेच दी। सबने विरोध किया कि अपने गुरु के नाम की भी ज़मीन बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मानवता के कल्याण के लिए पहले ये जरूरी है, मठ और मंदिर बनाना पहले ज़रूरी नहीं है। आज जितने भी मंदिर हैं उनको ज्ञान केंद्रों के रूप में परिवर्तित होना चाहिए, करना चाहिए। वहाँ पुस्तकालय बनाए जाएँ, ध्यान कक्ष बनाए जाए, लोग कुछ तो चिंतन करें। केवल मिठाई चढ़ाना, भोग चढ़ाना, जो नारियल एक बार चढ़ा दिया फिर दोबारा इकट्ठा करके फिर वही बिक्री होता है, फिर उसको चढ़ाया जाता है, इस भक्ति से क्या मिलेगा समाज को। जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, संसार के हर प्राणी तक ज्ञान का प्रकाश फैलाइए, संसार के हर प्राणी को अखंड धाम की राह दिखलाइए। यही वास्तव में जो प्राणियों का कल्याण करेंगे, परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को आप सुख पहुँचाएँगे। तो ये चेतन मूर्तियों की पूजा तो धर्म युक्त कही जाएगी। जड़ मूर्तियों की पूजा कभी भी धार्मिक नहीं कहला सकती। लेकिन इसको धर्म का जामा इसलिए पहना दिया गया है कि कोई विरोध न करे, हमारे पास पैसा चढ़ता रहे और हम बैठे बैठे अकर्मण्य बने। इस देश में अकर्मण्यता ने अपना घर कर रखा है। कभी इस देश में शंकराचार्य जैसा सन्यासी पैदा हुआ था जो 16 साल की अवस्था में निकलता है और 32 वर्ष की अवस्था तक केरल से निकला हुआ वो महामानव पूरे देश का भ्रमण कर देता है, चारों दिशाओं से दिग्विजय करके डंका बजा देता है धर्म का। आज चारों शंकराचार्य भी अपने मठों में आराम कर रहे हैं, 70 लाख महात्मा भी आराम कर रहे होते हैं, किसी में पुरुषार्थ नहीं होता। यदि यही आलस्य प्रमाद में रहना था तो भगवे वस्त्र क्यों धारण किए? संन्यास आराम करने के लिए नहीं है, संन्यास तो सारे मानव मात्र का कल्याण करने के लिए होता है। लेकिन जहाँ जड़ पूजा होगी वहाँ कर्मण्यता अवश्य होगी, रूढ़िवादिता अवश्य होगी, अशिक्षा अवश्य होगी। जहाँ अशिक्षा होगी अज्ञानता के अंधकार में पाप कर्म भी अवश्य होंगे। बिहारी जी उसी के समर्थक हैं, वो अपनी गादी की महिमा बार बार दर्शाएंगे। श्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहारी जी मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता जो आप कह रहे हैं, मैं राजाओं की नौकरी नहीं कर सकता, मैं तो ज्ञान का प्रकाश अवश्य करूँगा। बिहारी जी ने सोचा कि महाराज नहीं मानते हैं तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता क्या? महाराज को ख़त्म करवा दो। किससे ख़त्म करवाएंगे? उनको मालूम था कि खंबालिया का राजा महाराज से बैर रखता है, यानी जामनगर जो राज्य था बड़ा था, एक राज्य के अंदर कई छोटी छोटी रियासतें होती थी जिनको बड़े जमींदार कहलाते थे। खंबालिया का जो जमींदार था जिसको अभी तक में राजा कहा गया है, वास्तव में वो राजा नहीं था, एक छोटा सा एक जमींदार कह लीजिए। लेकिन उस युग में जमींदार भी अपने को राजा कहलाते थे, यानी छोटे राजा। जामनगर का जो मंत्री था उसके सचिव पद पर श्री महाराज की नियुक्ति हो गई थी और खंबालिया का राजा इससे वंचित हो गया था। उसने सोचा कि मेरा पद महाराज ने हड़प लिया, तब से वो महाराज के ज्ञान का प्यासा हो गया था। बिहारी जी ने जाते समय चुगली करा दी कि देखो महाराज अब तुम्हारे गांव में ठहरेंगे। उनको पता चल गया था कि महाराज सूरत जाना है तो खंबालिया से होकर के जाएंगे। अपने एक सेवक को भेज दिया खंबालिया के राजा के पास कि जाकर चुगली कर दो कि तुम्हारा अवसर आ गया है महाराज से बदला लेने का, इस गांव में महाराज आने वाले हैं। श्री जी ने सारी धन संपदा चढ़ाई, उनके चरणों में शीश झुकाया और बदले में गादीपति महाराज ने यही सोचा कि खंबालिया के राजा से महाराज की हत्या करवा दो। अब सुंदर साथ सब नाव पर चढ़ रहे हैं, श्री जी भी चढ़ना चाहते हैं, अंदर से प्रेरणा हो रही है राज्य की तरफ से कि इस पर न चढ़ो। लेकिन सुंदर साथ कहते हैं कि हम अकेले आपको नहीं छोड़ सकते, आप भी हमारे साथ चलिए। कभी कभी सुंदर साथ भावुकता में गलती कर बैठता है। सुंदर साथ को मोह का शिकार नहीं बनना चाहिए कि नहीं आप हमारे साथ रहिए ही। श्री जी के मना करने पर भी सब सुंदर साथ शोर मचा रहे थे। श्री जी ने जैसे ही चढ़ना चाहा छींक आ गई तो हवा का झोंका आया और नाव समुद्र में अंदर चली गई। परिणाम क्या हो गया? छींक आने के कारण असावधानी से श्री जी उस पर नहीं चढ़ पाए। श्री जी ने सोचा कि सचमुच मूल स्वरूप हमको नहीं चाहते हैं कि मैं नाव पर चढ़ूँ। अब सुंदर साथ में भ्रम चल लग गया कि कहीं यात्रा पर चल रहे हैं, छींक आ जाए तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं। जब आपको खांसी होती है तो कितनी बार छींक आती है? छींक आने से तो बुद्धि का आवरण दूर होता है। हाँ, कोई अशुभ घटना यदि होने वाली होती है, जैसे भूकंप आने वाला होगा, तो उसके कुछ मिनट पहले कुत्तों को, पशु पक्षियों को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, कुछ मिनट पहले पता चलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ ऐसे केंद्र हैं, यदि वे जागृत हो जाएं तो मनुष्य को पता चल जाता है। हमारे मन की, बुद्धि की शक्तियों का केंद्र जो है, शक्तियों की कार्यशाला मस्तिष्क है। उनको जागृत करना होता है, या ध्यान समाधि के द्वारा जिन्होंने अपने हृदय को पवित्र कर लिया होता है, मन को एकाग्र कर लिया होता है, उनको भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों की बातें मालूम हो जाती हैं। जैसे जिनकी सुषुम्ना प्रवाहित हो जाती है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। सुषुम्ना प्रवाहित का अर्थ क्या होता है? आंतरिक सुषुम्ना, बाह्य सुषुम्ना नहीं, बाह्य सुषुम्ना में तो नासिका के दोनों छिद्रों से सांस बहने लगे तो हम कहते हैं कि हमारी सुषुम्ना चल रही है। इससे नहीं होगा। जिसकी आंतरिक सुषुम्ना प्रभावित हो जाती है, यानी सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट करते हैं जो 10वें द्वार में समाधिस्थ हो जाता है, जिसका 10वां द्वार खुल हो जाता है, तो वो समाधि के अभ्यास से भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने लगता है। जब आप राज्य के चरणों में हैं तो आप आंख मूंद कर राज्य से प्रेम कीजिए। यह न सोचिए कि हमें चलते समय बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम रास्ता आज यात्रा स्थगित कर दें। बिल्ली रास्ता काटती है, उसका कार्य है, लेकिन जो आपके सिर पर है वो आपकी रक्षा तो करेगा। जो अंधविश्वासी होते हैं वो सोचते हैं कि इस दिन यहाँ की यात्रा नहीं करनी है। तो आप बताइए, दिल्ली से तो हर दिन न जाने हजारों लोग हर दिशा में प्रतिदिन जाते हैं, तब तो सबको मर जाना चाहिए था। यदि शनिवार को इस दिशा में यात्रा करना अमुक दिशा में गलत है तो दिल्ली से तो उस दिन में शनिवार को या जिस जो दिन को फलित ज्योतिष के अनुसार अशुभ दिन कहलाता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि शहरों से लाखों लोग निकलते हैं, सबको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारी दिशाएं उसकी हैं, सारे दिन उसके हैं। अशुभ या शुभ हमारे कर्मों के अनुसार होता है। यदि हमारे कर्म पवित्र हैं, हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति अटूट निष्ठा है, तो रक्षा करने वाला भी तो आपके साथ ही है। यदि अशुभ घटना होगी तो बचाने वाला कौन है? आपके साथ। लेकिन जब आपको अटूट विश्वास होगा तब तो आप जैसे ही सुंदर साथ बाईजुराज जी के साथ, जो सूरत के 8 सुंदर साथ आए होते हैं, खम्भालिया उतरते हैं तो राजा गिरफ्तार कर लेता है, वहाँ चौकी बैठा देता है। खम्भालिया का राजा पूछता है कि इसमें कोई तेज कुंवरी जी हैं? सब कह देते हैं, सब समझ गए कि ये तो बिहारी जी की कृपा हो गई है, उन्होंने हम सबको गिरफ्तार करवाया है चुगली करके। पहली बार देखिए बिहारी जी महाराज ने क्या कराया था, जेल भिजवाया था, दोबारा अभी नज़रबंद करवाया, और तीसरी बार खम्भालिया के राजा को उकसा दिया कि मेराज के से अपना बदला ले लो, और वो बदला क्या लेता, वो तो हत्या ही करा देता। सब सुंदर साथ ने कहा कि यहाँ कोई तेज कुंवरी नहीं है, ये तो हमारी बहन है और हम सभी ब्राह्मण हैं। खम्भालिया का राजा जानता है कि मेराज तो लोहाड़ा है, लोहाड़ा क्षत्रिय है। उस युग में एक परंपरा थी कि ब्राह्मण कच्चा भोजन नहीं कर सकते थे, दूसरे का बनाया हुआ। कच्चा भोजन क्या है? जो पानी में पकाया जाए। पक्का भोजन क्या है? जो दूध में और घी में पकाया जाए। कितना अंधविश्वास है। दूध और घी में पकाया जाए तो शुद्ध, और पानी में पकाया जाए तो अशुद्ध। दूध और घी में पूड़े पकवान बनते हैं तो उसमें छूत नहीं लगती, और चावल में, खिचड़ी में छूत लगती है क्योंकि वो पानी में पकाया होता है। यह भी तो आडम्बर ही है। लेकिन उस समय की परंपरा के अनुसार ये मान्यता थी कि कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय का, वैश्य का, दिया हुआ, शूद्र का तो खाता ही नहीं था, कच्चा भोजन नहीं खा सकता था। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यदि ब्राह्मण ही चूल्हा चक्की जलाएगा तो पढ़ाएगा कौन? शास्त्रों में लिखा है, आर्य अधिष्ठाता वासुद्रा संस्कृतारः स्युः, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर का भोजन कौन बनाएगा? शूद्र। जिसको आप दलित कहकर अपने मंदिरों में नहीं घुसने देते, उन्हीं शूद्रों को कहा गया है कि वो सब स्नान करके घर का भोजन बनाएं, क्योंकि शूद्र कौन है? जो पढ़ा लिखा नहीं है वही शूद्र है, जो अनपढ़ है। जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है। यदि क्षत्रिय खेती करे, व्यापार करे तो वैश्य हो गया। यदि ब्राह्मण भी दुकान करके खोल करके बैठ जाए तो वो वैश्य हो गया, फिर उसको ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण वह है जिसमें ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो। तो ज्ञान से कोई ब्राह्मण बनेगा, तब से ब्राह्मण बनेगा। आचरण से कोई क्षत्रिय बनता है, आप क्षत्रिय घर में जन्म लिए हैं, लेकिन आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं हैं, राजसत्ता नहीं संभालते हैं, देश की रक्षा नहीं करते हैं, तो क्षत्रिय कैसे कहला सकते हैं? हाँ, जन्मजात तो क्षत्रिय कहला सकते हैं। जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराः द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। शूद्र किसको कहते हैं? जो शिक्षा से रहित है, अनपढ़ है, कुछ विवेक नहीं, न वो ब्राह्मण का कार्य कर सकता है, न क्षत्रिय का कार्य कर सकता है, न वैश्य का काम कर सकता है, तो वो सेवा कार्य करें, भोजन करें, किसी अमीर आदमी के घर अपना कार्य करके सेवा कार्य करना, ये शूद्र का है। लेकिन शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है, शूद्रो ब्राह्मणतामित ब्राह्मण इति च शूद्रताम क्षत्रियात् जातम एवं अंत विद्यात वैसा ही तथा विचार। शूद्र कुल में उत्पन्न होकर यदि उसका गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण के अनुसार है तो ब्राह्मण हो जाए, क्षत्रिय के अनुसार है तो क्षत्रिय हो जाए, वैश्य के अनुसार है तो वैश्य हो जाए। क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य भी ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है। जो जैसा कर्म करेगा, कर्म के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित किया जाता है। जाति परंपरा नहीं रही है। जन्म के आधार पर जो जाति व्यवस्था बनाई गई है, ये देश को, समाज को, धर्म को बर्बाद कर रही है। जन्म से किसी की जाति निर्धारित नहीं की जाती है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर वो मांस खाता है, शराब पीता है, फिर भी वो पंडित जी कहलाता है। क्यों? वो तो शूद्र से भी नीचे है। जब ह्यूमन संघ भारत में आया था तो उसने देखा कि यहाँ तो शूद्र भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। आज देखिए तीर्थों स्थानों में पंडे पुजारी भी सब अभक्ष खाने लगे हैं। दिल्ली में तो एक मंदिर है भैरव का, वहाँ तो शराब ही चढ़ाई जाती है। और कामाख्या के मंदिर में चले जाइए तो वहाँ मांस ही चढ़ाया जाता है। न जाने कितने जानवरों की बलि दी जाती है और ऐसा लगता है कि कामाख्या एक कसाई खाना है जहाँ जानवरों की बलि दी जाती है। कैसी है वो देवी जो कहती है पशुओं का हमें मांस लाओ? देवी तो नहीं कहती। देवी के नाम पर उनके मानने वाले पंडे पुजारी भक्तों ने एक अंधविश्वास पैदा कर रखा है कि कामाख्या की देवी को ये चढ़ाओ। आप नेपाल में देखेंगे एक ऐसा स्थान है, प्रवीण जी की लिखी हुई पुस्तक में वहाँ का दृश्य दिया गया है। लाखों भैंसे काटे जाते हैं, निर्दोष भैंसे, उनका मांस वहीं सड़ता रहता है। किसको धर्म कहेंगे? क्या यह धर्म है? धर्म के नाम पर कि ये देवी खुश हो जाए, बेचारे भैंसों को ला ला करके काट देते हैं। कोई शेर या चीते की तो बलि नहीं चढ़ाता। शेर की बलि चढ़ाए, चीते की बलि चढ़ाए, तब तो हम देखें। बेचारे भोले भाले जानवरों को ला करके काट देना कि हमारी देवी इससे खुश हो जाती है, ये अंधविश्वास है। लेकिन इनके खिलाफ कोई बोलने वाला कोई वीर ही नहीं है हिंदू धर्म में। हाँ, महिमा गाँधेंगे सब। अंधविश्वासों के खिलाफ बोलने वाला कोई बुद्ध पैदा होता है, कोई दयानंद पैदा होता है, तब समाज की बुराइयां दूर होती हैं। आजकल तो टीवी पर प्रचलन चल गया है, नाच नचा करके सबको खुश करना, धनिक लोगों को खुश करना, पैसे को चढ़ावा चढ़ाना। कोई भी टीवी पर प्रवचन करता ये नहीं बोलता कि हिंदू समाज में जो ये बुराइयां हैं वो कैसे दूर होंगी। आप देखेंगे बिहारी जी महाराज की कृपा से सुंदर साहब जब संकट में पड़ जाते हैं तो उन्होंने विवेक से कार्य लिया और कहा कि ये हमारी छोटी बहन है और उसके भांजे की शादी में हम भात देने आए थे, हमारा इससे पारिवारिक संबंध है। जब उन्होंने बाईजूराज ने भोजन बनाया, कच्चा भोजन, और सब सुंदर साहब ने प्रेम पूर्वक खाया कि आज हमारे धन भाग हैं, श्री बाई जी के हाथ का बनाया हुआ भोजन करने को मिल रहा है। सब सुंदर साथ ने भोजन किया, राज्य जी का नाम लिया। जब खम्बालिया के राजा ने देखा कि तो कच्चा भोजन भी खा गए, तो उसके मन में बात आ गई कि नहीं, यह तेजकौरी जी नहीं है, ये मेराज की पत्नी नहीं है, और उसने सबको छोड़ दिया। अब श्री जी दूसरे मार्ग से चलते हैं। सूरत में भेंट होती है, वो प्रसंग सुनेंगे आप कल। आज आपने देखा बिहारी जी महाराज अपनी तानशाही मानसिकता के कारण कितने सुंदर साथ को निकालते हैं। अभी सूरत का प्रसंग आएगा, उसमें भी निकालेंगे। और सूरत में अंतिम निर्णय से अलगा हो जाएगा। नलिये में तो बीज बोया गया, नलिये में दरार पड़ी दोनों के संबंधों में, क्योंकि बिहारी जी एक तरफ सबको निकालते जा रहे हैं, वाणी चर्चा में अवरोध उत्पन्न करते हैं। वो चाहते ही नहीं कि वाणी का प्रकाश फैले। यदि वाणी नहीं फैलेगी तो परमधाम की आत्माओं की जागृति कैसे होगी? वो मूल स्वरूप पर ईमान लेने नहीं देते, सबको अपनी गादी पर ईमान दिलवाते हैं कि गादी पर मैं बैठा हूँ, इसलिए मैं अक्षरातीत का स्वरूप हूँ। किसी के हृदय में परमधाम की शोभा बसे, युगल स्वरूप की छवि बसे, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। उन्होंने ये दावा कर रखा है कि मैं जिसको चाहूँगा वही परमधाम जाएगा, जिसको नहीं चाहूँगा वो नहीं जाएगा। एक तरफ असत्य है, अज्ञान है, और कहीं ना कहीं उसकी छाया आज भी हमारे समाज में देखने को मिल रही है। पूरे हिंदू समाज में यही जड़ता है, अशिक्षा है, रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है। समाज में जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जगमगाएगी नहीं, प्रेम का झरना फूटेगा नहीं, तब तक किसी का हृदय कैसे धाम कहलाएगा? किसी के हृदय में युगल स्वरूप की छवि कैसे बसेगी? जिन्हें जागने की मशाल ले चलनी है, उनको ये दृढ़ संकल्प ले चलना होगा कि जितने प्राणी संसार में दिखाई दे रहे हैं, सबके हृदय में हमें ज्ञान की ज्योति जलानी है। चाहे वो किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, कितना भी समाज का तिरस्कृत हो, काला कलूटा हो, गरीब हो, भिखमंगा हो, सबको हमें गले लगाना होगा। सबके हृदय में परम धाम के ज्ञान का प्रकाश करके ज्योति जलानी होगी, सबको परम धाम की राह दिखानी होगी। जब हमारे आदर्श ऊँचे होंगे तभी जागने का प्रकाश फैलेगा। यदि हमने एक छोटा सा संप्रदाय बना लिया, गादीवाद के घेरे में, मंदिरवाद के घेरे में समाज को बांध दिया, ज्ञान का प्रकाश होने ही नहीं दिया, तो वाणी नहीं फैलेगी, जागनी नहीं होगी। और याद रखिए, अक्षरातीत सबके हैं। सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है, तो अक्षरातीत कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं आए। कल की बीतक चर्चा में यही संबंध आपको देखने को मिलेगा। जब इंद्रावती जी की आत्मा स्पष्ट रूप से घोषित करेंगे, महामती जी के द्वारा ये घोषणा की जाएगी, जो कोई लूला पांगड़ा साथ, इंद्रावती न छोड़े वाकुआत। बिहारी जी महाराज जो असहाय हैं, जिनको आप दुत्कारते हो, बहिष्कृत करते हो, मैं इंद्रावती की आत्मा उनको नहीं छोड़ूंगी। आज भी हमें वही राह अपनानी होगी। हम दलितों को गले लगाएं, क्योंकि वो आपके भाई हैं। हमारे हृदय से जाति पात की बुराई मिट जानी चाहिए। हम किसी को छोटी जात का समझ करके ना देखें। हमारे हृदय में तो जाति शब्द भी नहीं होना चाहिए। गीता में कहा है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिन सुनिश्चय एवं सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित किसको कहते हैं? जो ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चंडाल में, सब में एक चेतना को देखें। वो ब्राह्मण में और चंडाल में भेद न करे। ब्राह्मण पवित्र कहा जाता है, चंडाल अशुभ कहा जाता है, लेकिन चंडाल में जिस तत्व को देख रहा हो, ब्राह्मण में भी उसी तत्व को देखे। गाय और कुत्ते में भी भेद न देखे। कुत्ते को अशुद्ध प्राणी कहा जाता है, गाय को पवित्र कहा जाता है, लेकिन उसको ये बोध होना चाहिए कि जो चैतन्य गाय में है वही चैतन्य कुत्ते में भी है। जो सब में समत्व देखता है वही पंडित कहलाता है, वही विद्वान कहलाता है। आज तो बड़े बड़े महात्माओं के भी पास जाइए तो पहले पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है। महात्माओं के अंदर से जब जाति का कीड़ा घुसा हुआ है तो गृहस्थियों के अंदर से कैसे निकलेगा? और ये सबसे बड़ी बीमारी है कि सारा हिंदू समाज जाति के नाम पर लड़ता है। एक जाति कहती है हम बड़े, दूसरी जाति कहती है हम बड़े, और आपस में एक दूसरे को मारते हैं। ये घृणा की ज्वाला सारे धर्म को, समाज को भस्मीभूत कर रही है। ज्ञान का प्रकाश इन सारे बंधनों से ऊपर उठाता है। आज के भीतर के सार तत्व को हमें ग्रहण करना होगा कि किसी भी स्थिति में हमें जड़ता की तरफ नहीं जाना होगा, रूढ़िवादिता की तरफ नहीं जाना होगा, अशिक्षा की तरफ नहीं जाना होगा। गादी पूजा की अपेक्षा जिस परमहंस की गादी है उसके व्यक्तित्व को अपनाएं, उनके पदचिन्हों पर चलें, तो ये सच्चा मार्ग होगा। और गादीवाद को बढ़ावा देने की अपेक्षा हम अपने हृदय का ही सिंहासन बनाएं, जिस पर अक्षरातीत के चरण कमल पड़े। यदि ऐसा हो जाता है तो सारे देश में एक प्रेम की ऐसी लहर बहेगी जिसमें पूरा देश डूब जाएगा और सबका कल्याण होगा। अब चपाई दूरी। श्री महामति कहे ऐ साथ जी, ये नलिय की बिताक अब सूरत की कहूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।